मैंने रखा था वरना आप तशरीफ रखें। सिंध असेंबली में नुसरत सहर अब्बासी ने सूबाई वजीर इमदाद पताफी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पहले असेंबली सीढ़ियों पर और बाद में ऐवान में धरना दिया। हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए फंक्शनल लीग की रुकन ने इंसाफ की अदम फरामी पर खुद सोजी का ऐलान किया। मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, खुदा की कसम मैं इसी असेंबली में वो मिसाल कायम करूंगी, मैं खुद को आग लगा दूंगी और इस अपनी सीट से इस्तीफा दे दूंगी। सूबाई वजीर इमदाद पताफी ऐवान में मामले के वजाहत के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। आप मेरी बात अगर नहीं सुनना चाहते, आपको मेरी बात सुननी होगी। ऐवान में बदनज़मी शुरू हुई तो कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। दिस हाउस इज अर्जेंट फॉर 10 मिनट्स। इजलास शुरू होते ही सूबाई वजीर इमदाद पताफी ने फ्लोर पर नुसरत सहर अब्बासी से माफी मांग ली और उनकी नशिस्त पर जाकर सिंधी रिवायत के मुताबिक उन्हें चादर उड़ा दी। यहाँ से सीधा अदी नुसरत के पास जाता हूँ, जो सिंध की रिवायत है, मैं उसके सर पे चादर उनको उड़ाऊंगा और वहाँ उसकी सीट पे जाके उनको सारी बोलूंगा। इमदाद पताफी के इस अमल से नुसरत सहर अब्बासी ने खुद सोजी का ऐलान वापस ले लिया और इमदाद पताफी को माफ कर दिया। इस चादर के सदके जो मेरे सर पर डाली गई और मुझे बहन कहा गया और आइंदा ये अजम किया गया कि हम किसी माँ बहन बेटी को इस तरह अब्यूज नहीं करेंगे, इस चादर के सदके मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर दूं। असेंबली के बाहर बातचीत में नुसरत सहर अब्बासी ने उम्मीद जाहिर की कि ऐसा अमल अब दोबारा नहीं होगा। वो खुद इमदाद पताफी साहब आए और मेरे ऊपर ये चादर, मेरे सर पे ये चादर डाली और अपनी माँ और बहन का दर्जा दिया और कहा कि आइंदा वो कभी किसी माँ बहन के साथ इस तरह का सलूक नहीं रवा रखेंगे। जुमे के रोज सिंध असेंबली के इजलास में फंक्शनल लीग की रुकन नुसरत सहर अब्बासी और पीपल्स पार्टी के वजीर इमदाद पताफी के दरमियान बदकलामी हुई थी, जिस पर आज दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो गयी।